अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय इंस्टाग्राम एंड माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, सोने अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज पता नहीं मेरा व्लॉग कब जाता है, लेकिन मैं आज 8 बजे ऑनलाइन मतलब लाइव आऊँगी, वो भी यूट्यूब पर। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा दी है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर लें ताकि आपको पता हो कि मैं कब आती हूँ लाइव। अच्छा जी, तो कल वैसे बहुत मज़ा आया लाइव में, क्योंकि कुछ आपसे कुछ पूछना था, तो खैर वो तो लाइव में ही बातें होंगी। तो यहाँ पे जी मैं गई थी बाहर, बाहर कुछ सामान लेना था, कुछ सौदे वगैरह थे घर के, तो मैंने सोचा वो भी ले लिया जाए। आपको पता है कि सब्ज़ी ज़्यादा सेफ तो नहीं कर सकते, मतलब ये है कि 1-2 दिन की सब्ज़ी ले लिया जाए ताकि आसानी हो जाती है, साथ में गोश्त वगैरह भी। तो इस तरह से माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत सब्ज़ी आई हुई थी, तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ, और कैमरे में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, और सोचे खाने में कितनी मज़ेदार होगी। तो आजकल सब्ज़ी डे भी है साथ साथ, और आज एक बहुत मज़ेदार एक रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अच्छा, मैं बैगन इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इतने ये लोग ले भी ज़्यादा रहे थे, और इतने ज़्यादा मतलब ये थे, और पैकिंग इनकी बहुत खूबसूरत थी। हर किस्म की यहाँ पे सब्ज़ी आई हुई थी, चाहे वो मौसम की है या नहीं है, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पे मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह भी ले रही हूँ, और मुझे वैसे बैगन जो है, चाहे वो आलू वाले हों चाहे वो बैगन का भरता हो, मुझे बहुत पसंद है। साथ में देसी घी वाली रोटी, तंदूर वाली, तो इंशाल्लाह अब भी मौसम चेंज हो रहा है तो मैं तंदूर भी निकालूंगी और आपको मज़े मज़े की रोटी बनाना सिखाऊंगी। मैं सोच रही हूँ आजकल नान शान भी बनाऊँ, वो भी ट्राई करूँ ज़रा। तो यहाँ पे मैं मीट वगैरह भी ले रही हूँ, आपको पता है 2-3 दिन का एक साथ ही सौदा ले के रख दिया जाए ताकि आसानी हो जाए थोड़ी। और आप सब लोग सुनाएं क्या हो रहा है आजकल घर पे, क्या कर रहे हैं, मौसम कैसे है आपकी तरफ। तो बस जी माशाल्लाह से हम लोग घर आ गए हैं। घर आने के बाद पहले से थोड़ी सी पेट पूजा क्योंकि भूख लग रही थी, उसके बाद ये सामान वगैरह मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे जी मैं आज काफ़ी सारा पुदीना लेके आई हूँ, मिंट, और आपको पता है कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, जो लोग गोरे होना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन पे एक्नी ना हो, तो ये सारी चीज़ों का जी हल है वो है जी मिंट। चाहे आप इसे पानी में बॉयल करके उसका पानी यूज़ करें, चाहे आप कहवा पिएँ, या फिर आप चटनी में या फिर रायते में डालें, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो आजकल पुदीना जो है इसका सीज़न है, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ले आया करें। और इसे सेव करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि जब आप इसे लेके आए, मेरे पास ये 4 मतलब वो थी, 4 से 5 मैं इसकी गिट्ठियाँ लेके आई थी, और इसे मैं खोल दूंगी इस बड़ी सी टोकरी में, और एक एक इसकी टहनी मतलब अलग से कर दूंगी। तो इसकी जो पुदीने की पत्तियाँ अलग कर देंगे, और इसे फिर वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो मिट्टी है, जो भी कचरा वगैरह है, वो निकल जाए। अच्छे तरीके से आपने इसे वॉश करना है। इसके अंदर मिट्टी होती है, इसके अंदर ख़राब पत्ते होते हैं, वो आपने अलग कर लेने हैं। तो इसे अच्छे तरीके से पानी में वॉश कर लें, और फिर आप इसे किसी भी बर्तन में, जैसे मैं अब आपको दिखाऊँगी इसकी प्रॉपर, इसे फिर आप सेव कर लीजिएगा। छाँव पर आपने इसे सुखाना है, धूप में नहीं रखना, अंदर कमरे में रख दें या फिर किसी सहन में बाहर जगह पे, ताकि कोई भी मक्खी वगैरह मच्छर ना बैठे। तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत ये पत्ते थे, इतने फ्रेश इसका मिंट था, बहुत बहुत खूबसूरत, इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैं इसे मतलब इसका पानी जो है हल्का हल्का सा निकालूँगी, जैसे 5 से 10 मिनट मतलब आप लगा लें। तो आप फिर बड़े से, जैसे अब मेरे पास तो इस तरह सा है बड़ा सा, मतलब वो कहते हैं जैसे छाबा होता है, ये है मेरे पास कलरफुल, बहुत खूबसूरत है, इसमें मैंने इसे फैला देना है। इस तरह से आपने रखना है ताकि ये अब इसे हवा लगेगी, मतलब 4 से 5 दिन में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आपने धूप में रखना है, बस ये ख्याल रखिएगा। फिर आप किसी भी एयर टाइट जार में इसे सेव कर लें, पत्ते इसकी टहनी उस टाइम, वो भी मैं आपको इसका प्रोसीजर दिखाऊंगी। आपने पूरा व्लॉग कंप्लीट देखा करें, और इसे अच्छे तरीके से कमेंट भी किया करें, बताया करें अगर आपको समझ नहीं आती तो। ये सेहत के लिए वैसे बहुत अच्छा है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जब सेफ हो जाएगा, गर्मियों में इतने जल्दी मतलब ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कोई भी सब्ज़ी हो, पत्ते वाली ज़्यादा सब्ज़ी हो,
तो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से इसे ड्राई कर लेती हूँ इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके घर गमले वगैरह हैं, क्योंकि मैंने गमले में भी लगाया हुआ था लेकिन वो सूख गया, तो इसीलिए मैंने ये ज़्यादा ले लिया है ताकि अच्छे तरीके से इसे मैं बना सकूँ और सेव करके। फिर ये बहुत मतलब ऐसे गर्मियों में ये मेरे चल जाता है, गर्मी मतलब अगर प्रॉपर इसे डेली यूज़ किया जाए। मैं तो कैवे में भी डाल देती हूँ अगर ये ड्राई हो तो, मेरे पास फ्रेश ना हो ड्राई हो मैं वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि पानी में पत्ते वैसे भी खुल जाते हैं। तो और इसके बाद जी मैंने कुछ सब्ज़ी वगैरह ली थी वो भी मैं निकाल लूँगी, जैसे ये हो गए शलजम हो गए, साथ में गोभी हो गई, और मैंने बैगन भी ले लिए थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये देखिए अगर दिन में एक सब्ज़ी बनाई जाए तो 3 दिन का ही होता है, तो मैंने सोचा कि चलें एक साथ आ जाएंगी तो आसानी हो जाएगी काफ़ी। मैं तो ऐसे करती हूँ जो शलजम है उसे मैं पीसीस बना के और उसे बॉईल कर देती हूँ पानी में, थोड़े से पानी में बॉईल करके उसे किसी भी जार में, टिफ़िन बॉक्स, कुछ भी बॉक्स में आप फिर रख दें, जब भी आपका दिल चाहे गोश्त में बनाए मटर में बनाए, बहुत मज़े की बन जाती है सब्ज़ी। और आपके लिए ये आसान बात है कि टाइम बच जाता है, जो ख़वातीन हैं उनका टाइम बच जाता है, कुछ और काम कर लेता है इंसान। तो यहाँ पे आज मैं झटपट से बस आज मैं बिरयानी बना लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी ये साइड पे, ये देखें थोड़ा सा मैंने 1 गिलास पानी डाला था उसमें, शलजम के बड़े बड़े पीसेस डाल दिए, तो इसे मैंने हल्की कुछ टाइम के लिए मतलब ऐसे समझ लें कि 30 मिनट्स इसे कवर रखा था। उसके बाद उसे हल्का सा मतलब किसी भी चम्मच के साथ मारेंगे तो वो बिल्कुल मैश हो जाएगा, तो बॉक्स में आप रख दें फ्रीज करके, तो ये काफ़ी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे जी चिकन कल से मैंने मैरिनेट करके रख दी थी फ्रिज में, और मैंने सोचा कि आज क्या बनाया जाए क्योंकि इतने सारा सामान बाहर ये वो काम शाम ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा कि बस आज बना लिया जाए बिरयानी झटपट से। मैरिनेट हो चिकन तो बहुत आसानी हो जाती है, चाहे आप उसका कौरमा बना लें, बिरयानी बना लें, बारबेक्यू कर लें, तो आप भी ऐसे किया करें कि मैरिनेट करके चिकन रख दिया करें, चाहे वो 2-3 दिन भी गुजर जाएं, बहुत आसानी हो जाती है। तो ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ बिरयानी की, ये बहुत जल्दी बनने वाली है। बस मैंने वो मैरिनेट चिकन डाल दी थी, पहले प्याज ब्राउन कर लिए थे, उसके अंदर टमाटर डाल दिए, उसके अंदर आलू भी डाल दिए मैंने, आलू का जो साइज़ है वो काफ़ी आपने कुछ बड़ा रखना है। तो बस एक साथ मैं सब कुछ डाल दूँगी, यहाँ से मैंने चावल बॉयल कर लिए और इसका मैं पानी निकाल लूँगी, तो ये बहुत झटपट बनने वाली जी रेसिपी है। और यहाँ पे होगा जी खूबसूरत कलरफुल, इसमें कलर डालूँगी अब मैं, ऑरेंज कलर भी डालती हूँ और थोड़ा सा रेड कलर भी डालती हूँ, 2 कलर डालती हूँ। तो बस मैं इसकी मतलब जो कौरमा बनाया था उसके ऊपर मैंने चावल डाल दिए, उसके ऊपर लेमन पुदीना, और ज़बरदस्त खूबसूरत ये कलरफुल बिरयानी बनेगी जी। तो ये छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों को बताना था, कुछ टिप्स थे जो आप लोगों को बताना था ताकि आपके टाइम बच सके और आप इजी होके काम कर सकें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।